अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान शहर में खेलों से लुत्फानंदोज होने लगे। तालिबान एक तफरीही पार्क में मौजूद बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैठे देखे जा सकते हैं। तालिबान ने पहली दफा ऐसी गाड़ियां देखी और इन गाड़ियों में बैठकर एक दूसरे को टक्कर मारने लगे और अपने आप को ऐसा महसूस किया कि जैसे कि वो बच्चे हैं। तालिबान की रबड़ वाले झूले पर उछलने कूदने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने अपनी जीत का बच्चों की तरह जश्न मनाया। तालिबान शहर के पार्कों में गए और हर किस्म के झूले झूलने लगे। उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया और दुनिया को बताया कि वो कोई खतरनाक दहशतगर्द नहीं है, इनको भी मौज मस्ती करने और जिंदगी अच्छे तरीके से एंजॉय करने का हक हासिल है। अमेरिका ने 90 दिन में तालिबान के काबुल पहुंचने की पेशगोई की थी, जबकि ऐलान के बाद 90 घंटे से भी पहले वो काबुल पहुंच गए। तालिबान ने मुकम्मल अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कोई मार्केट, सोना की दुकान लूटी, न किसी बैंक या मनी एक्सचेंज से एक धेले का कैश लूटा गया। करोड़ों की आबादी के मुल्क में किसी एक मकान पर भी एक मिनट के लिए लाकानूनियत की कोई शक्ल भी देखने को नहीं मिली। बज़ाहिर ये एक नाकाबिले यकीन अमल था।